एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमरिंस व्लॉग। कोरोना के साथ तो फाइट करते करते अब हम लॉकडाउन पार्ट थ्री में पहुंच गए। हाँ, आप यही बोलेंगे पार्ट थ्री। वैसे तो हम सीरियल्स का भी काफ़ी एंजॉय करते हैं, तो सीरियल्स में भी आजकल सीज़न आ गया है ना, सीज़न 1, 2, 3, उस वी एंजॉय ऑल द सीजंस। तो लॉकडाउन को भी वैसे ही ले लेते हैं, लॉकडाउन सीज़न 1, लॉकडाउन सीज़न 2 एंड लॉकडाउन सीज़न 3। और अगर लॉकडाउन सीज़न 4 भी आ जाता है ना, ये मैं सिर्फ प्रेडिक्ट कर रही हूँ, अगर ऐसा लॉकडाउन सीज़न 4 आ जाता है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि पता है क्या, एक्सेप्टेंस इज द की टू हैप्पीनेस। और ये फ्रेज किसने फाइंड आउट किया है? जी हाँ, ये जो आपके सामने जो है ना, उन्होंने ये फ्रेज निकाला, बिकॉज एक्सेप्टेंस के अलावा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पहले तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जिन्होंने ये सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया है, प्लीज़ लाइक, डिसलाइक, शेयर, कमेंट, एनीथिंग जो भी एक YouTube चैनल में करना है, प्लीज़ वो सारे जाके कर दीजिएगा। एंड नाउ लेट्स कम टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूँगी कि क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को परमिशन दे दिया लिकर का शॉप खोलने के लिए। द मोमेंट वी हर्ड दिस न्यूज़, एवरीबडी वॉज ब्लेमिंग दी सेंट्रल गवर्नमेंट कि मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, उन्होंने क्यों ऐसा ओपन कर दिया। बट होल्ड होल्ड, हर चीज़ में हम ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि देयर इज अ रीज़न, एंड the reason which I'm going to discuss with you all is very valid. Liquor is not very good for health. कोई भी चीज़ एक्सेस में हो तो वो आपके हेल्थ के लिए खराब ही होता है, चाहे मेडिसिन हो, चाहे खाना हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो। सेम एल्कोहल, अगर एल्कोहल इनटेक भी हमारा एक लिमिट में हो, एक्सेस में एल्कोहल ले लिया जाएगा तो उस इंसान का हेल्थ वैसे भी खराब हो। हम ब्लेम बिना कुछ सोचे समझे ना करें। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इमीडिएटली ना हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए अपने गवर्नमेंट को। और सबसे बड़ी बात, ऑलवेज लिसन टू वट आवर प्राइम मिनिस्टर सेज एंड ऑलवेज लिसन टू वट आवर चीफ मिनिस्टर ऑफ योर रेस्पेक्टिव स्टेट सेज। कुछ सोच समझ के ही बोलते हैं, ऐसे ही आके बोल नहीं देते। ऐसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च 23, 2020, तब से ही लिकर शॉप्स वेयर टू रिमेन क्लोज। स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर लॉकडाउन 2 पुट फॉरवर्ड अ रिक्वेस्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्लीज अलाउ द स्टेट्स टू ओपन द लिकर शॉप्स। है उसके बाद क्या हुआ जब ये लिकर शॉप ओपन हो गया? माई गुडनेस, ये फोटोग्राफ्स, ये सब फोटोग्राफ्स आप देख के सोच ही सकते हैं कि लोगों की गैदरिंग, वो जो कभी कोई न्यूज आया था तबलीग की जमात वाली गैदरिंग, उससे तो मतलब 100 times ज्यादा हो गया। प्लस लॉकडाउन पार्ट 1 जब खत्म हुआ था तो बहुत सारे मजदूर रेलवे स्टेशन में पहुंच गए थे कि उनको लगा था कि सब खुल जाएगा और वो अपने अपने रेस्पेक्टिव घर जा पाएंगे, तो उस गैदरिंग से भी ज्यादा हुआ है। ये देखिए, मैं फिर से आपको फोटोग्राफ दिखा रही हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट ने खोल दिया, बट वी एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन, हमने क्या किया? सोशल डिस्टेंसिंग को तो एकदम बिग जीरो। अब किसको ब्लेम करेंगे? ये जो रिपोर्टर्स पहले ब्लेम कर रहे थे ना, इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ। नाउ माय क्वेश्चन इज कि नाउ हुम यू आर गोइंग टू ब्लेम, डियर रिपोर्टर्स? एक दो रिपोर्टर की वजह से फिर सारे रिपोर्टर कम्युनिटी को ब्लेम करना बुरी बात होगा। अब क्या कर रहे हैं लोग? अब गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने खुलवा दिया। अरे, गवर्नमेंट का एक रीजन होता है, जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है ना, दे हैव अ रीजन फॉर दैट। बट हम किसी एक की बातों में आके लगे पड़े रहते हैं, कभी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, कभी उनके अगेंस्ट में बोलते हैं, कभी उनके फॉर में बोलते हैं। लेकिन जो वायरस, सो कॉल्ड वायरस है, उसको एक मौका मिल गया एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जंप करने के लिए, बिकॉज ये तो चांस ढूंढ रहा था ये वायरस कि कैसे लोग मिले और कैसे ये फिर से अटैक करें। चलो, वो भी अपना ड्यूटी पूरा अच्छी तरीके से कर रहा है, इसमें हम क्या भला कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि अगर लिकर कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। पिछले कुछ दिनों में ना डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। स्टेट्स लाइक बिहार, उन्होंने इसी वजह से लिकर कंजम्पशन बिल्कुल बैन कर दिया था, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा होने की वजह से। इंडिया में अभी भी 2 states है जहाँ पे लिकर इज़ कम्प्लीटली बैन। नंबर 1 इज़ गुजरात एंड नंबर 2 इज़ बिहार। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स जहाँ पे लिकर कंजम्पशन होता है, ये देखिए, द बिगेस्ट रीजन व्हाई द गवर्नमेंट अलाउड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ओपन द शॉप इज इनकम। स्टेट गवर्नमेंट्स 13-15% इनकम कम्स फ्रॉम टैक्स ऑन लिकर। अब गवर्नमेंट कैसे अर्न करती है ये तो आप लोगों को पता ही है, फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस। नहीं, सबसे पहले मैं आपको दिल्ली गवर्नमेंट का ये दिखाना चाहती हूँ, ये एक स्टेटमेंट।
जहाँ पे ये क्लियरली बताया गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट का इनकम था 3,500 करोड़ मंथली, विच हैज नाउ ड्रॉप टू 300 करोड़। और अब एक नज़र देखना है कि पिछले कुछ सालों में कितना इनकम रहा है, व्हाट इज़ द इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ इनकम एंड रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ लिकर। इस साल तो और भी बढ़ जाता अगर ये पैंडमिक नहीं होता, बट फिर भी स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट डिसहार्टन्ड। कल के सेल ने तो काफ़ी इनकम कर दिया है, और कल के ओपनिंग ने तो ये पूरा साबित ही कर दिया कि बहुत सारे इनफैक्ट फनी जोक्स भी आ गए थे कि लिकर कैन रियली सेव द इंडियन इकोनॉमी, बट दैट्स अ जोक। प्रेजेंट वी ऑल नो दैट ऑल द इंडस्ट्रीज आर क्लोज्ड, सो टैक्सेस फ्रॉम इंडस्ट्रीज अगेन इट्स अ बिग नील। स्टेट गवर्नमेंट्स अपने स्टेट के लोगों का अच्छा ख्याल रख रही है, फ्री में राशन बांट रही है, फ्री में बहुत सारी चीज़ें बांट रही है, बट वो फ्रीबीज देने के लिए भी उनको भी अर्न करना ज़रूरी होता है, इसीलिए सारे स्टेट्स ने मिलके ये रिक्वेस्ट किया कि शॉप्स ओपन कर दिया जाए। अब आइए देखते हैं कि किस स्टेट में कितना सेल हुआ। जीरो से एकदम ऐसे बढ़ा। अब बाकी दो स्टेट्स का भी देख लेते हैं। अब एक मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगी कि मुझे इसमें क्या समझ में आया है। इनफैक्ट मैंने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ डाले हैं कुछ दिनों में। इस आर्टिकल को देख के तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आया है कि अगर गवर्नमेंट 1 रुपया अर्न कर रही है पर बॉटल, तो उस पर बॉटल के अगेंस्ट भी उसे 2 रुपये का नुकसान हो रहा है ऑन हेल्थ केयर। मैं आप लोग को बस बताना चाहती हूँ कि व्हाट आई हैव कम टू नो, एनीबॉडी एनी वन ऑफ अस इफ वी आर कंज्यूमिंग एल्कोहल, सोच समझ के कीजिएगा। जैसे आप खाना खाते हैं, खाना भी एक्सेस में खाने से खराब ही होता है ना, तो एल्कोहल कंजम्पशन भी मतलब ना अपने हिसाब से कीजिएगा। बाकी हम लोग सब समझदार हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है। गवर्नमेंट ने भी कुछ सोच समझ के खोला था, बट उन्हें क्या पता था कि लोग एकदम मतलब एक गैदरिंग जैसे गैदर हो जाएंगे लिकर के शॉप्स के बाहर। जो हो गया सो हो गया, आगे से हम लोग इसे ध्यान रखते हैं कि हाउ टू टैकल दिस। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। All of you, take good care of yourself. And if you haven't subscribed to my channel, kindly subscribe to Amrin's Vlog. Baki, like, comment, share, फिर से कर ही दीजिएगा. I'm on Instagram also. You can all follow my Instagram link, which I will share. Catch you again. Bye bye.